روش ان شاء الله. चमक तुझसे पा
पाते हैं सब पाने रहेगा यूं ही उनका चल चलेगा रहेगा यूं ही उनका चल जहाँ में है सहारा
निधि कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का कयामत तक रहे डाल देना काम किसका गौसे आज़म का मुसीबत डाल देना काम किसका गौसे आज़म का हमें दो नो जहां फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का गए एक वक्त में सत्तर मुरीदों के यहाँ आका ये हुज़ूर गौसे पाक की मशहूर करामत है एक वक्त में आपने 70 मुरीदों के हालों का इफ्तार किया गए के वक्त में 70 मुरीदों के आका समझ में आ नहीं सकता गुलाम आया उसने अर्ज की हुजूर आज रोजा मेरे यहाँ इफ्तार फरमाया आपने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा दूसरा आया उसने कहा हुजूर मेरे यहाँ 70 लोग आए पास एक और गुलाम बैठा था वो सोच रहा था कि एक ही घर रोजा इफ्तार करना है आपने 70 लोगों के साथ वादा कर लिया है तो ये कैसे पहुंचेंगे तो अल्लाह के वली होते हैं वो दिलों का हाल जानते हैं आपने गौर फरमाया और उसे कहा कि जरा अपनी आंखें बंद करो सामने एक पीपल का दरख्त था आपने कहा थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलो जब आंखें खोली तो पीपल के हर दरख्त के पत्ते के ऊपर हुजूर गौसे पाक उसने बैठे हुए पाया आपने फरमाया कि जिस तरह तुम ये पीपल के हर दरख्त के पत्ते के ऊपर मुझे देख रहे हो इसी तरह हर मुरीद के हमें रोज़ अफ्तार भी कर गए एक वक्त में 70 मुरीदों के आका समझ में आ नहीं सकता गौसे आज़म का समझ में आ नहीं सकता जो अल्लाह के वली के हाथ से रूनमा हो और बात वो समझ में ना आए उसे करामत कहा जाता है अल्लाह के नबी के हाथ से हो तो उसे मौजज़ा कहा जाता है तो करामत यही है कि जो बात समझ में ना आए तो जमील काजी फरमाते हैं कि समझ में आ नहीं सकता मुहिमा गौसे आज़म का कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ कैसे पहुंचे
भाई अल्लाह पाक ने अपने वलियों को स्पेशल पावर दी हुई होती है कि उस पावर से वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो समझ में नहीं आती, इंसानी अकल उनसे मावरा होती है। तो हमें दोनों जहां में सहारा से वो कह कर कुंभ मुर्दों को जिंदा किया वो कह कर कुंभ इज़्निल्लाह जिला देते हैं मुर्दों को बहुत मशहूर।